आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के चंद्रचूड़ मंदिर इलाके में दिनदहाड़े एक व्यवसायी पर गोली चलाए जाने की घटना की सीआईडी ने जांच शुरू कर दी है। इस गोलीकांड में आसनसोल उत्तर थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए चार लोगों को अब सीआईडी ने रिमांड पर लिया है। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक मुखर्जी, टिंकू कुमार प्रसाद, पंकज कुमार सिंह और कुलदीप कुमार को गिरफ्तार किया था। पुलिस की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चारों आरोपियों को फिर आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से सीआईडी ने अब इन चारों आरोपियों को रिमांड पर ले लिया और अपने साथ दुर्गापुर ले गई। बताया जाता है कि इस गोलीकांड में बाल बाल बचे आसनसोल के व्यवसायी दिनेश गोराई ने जयदेव मंडल समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दिनेश गोराई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। अब इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। हालांकि बाद में दिनेश गोराई समेत अन्य के खिलाफ भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि उस मामले की जांच आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को यह शूट आउट हुआ था। व्यवसायी दिनेश गोराई अपने वाहन में सवार होकर चंद्रचूड़ मंदिर के पास स्थित एक होटल से खाना लेने गए थे। उसी समय अचानक बाइक पर सवार आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी। हालांकि इस हमले में दिनेश गोराई बाल बाल बच गए थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH-60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट। गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेंपल पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961, 7001804855।